अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज मैं आप लोगों के साथ नेगेट्स बनाना शेयर कर रही हूँ मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसे मैंने ऐसे धो लिया है और इसके पीसेस भी कर लिए हैं और अब इसे एक बार उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पतीले में ऑयल लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है और अब इस बोनलेस चिकन की पीसेस को हम इसे वाटर में डाल लेंगे और बस इसे एक दफ़ा उबालेंगे। पानी आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देख सकते हैं आपके उबाल आ चुका है और इससे पानी निकालने उबाला था उसी चिकन को मैंने यहाँ पे पीस लिया है चोपर में। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं इसमें वाइट पेपर 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून और अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। सॉरी 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऑयल को स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये थोड़ी सी चिकनाहट चिकनाहट सी हो जाए, चिकनी चिकनी सी। इस तरह से इसको अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे। अब एक अंडा तोड़ के डालेंगे जैसे, और इसमें थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे कोटिंग के लिए। अब एक कांटे की मदद से इसको मिक्स करेंगे कोटिंग के लिए। और ये सारे को मैंने शेप दे दिया है और अब इस पर मैंने यहाँ पर मसाला लगा लिया और यहाँ पे नहीं लगाया, जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले जो अंडा और दूध हमने बनाया था उसमें डिप करेंगे, उसके बाद जो ये चिकन ब्रोस मसाला है इसमें हम फिर से डिप करेंगे। सारा जो मसाला है वो उसमें लगाते जाएंगे और यहाँ पर फिर रखते जाएंगे एक ट्रे में। तो यहाँ पे सर में मैंने मसाला अंडा और जो मसाला था वो सारों पे मैंने लगा लिया है और अब फिर से अंडे में इसको लगाएंगे, टिप करेंगे। और अंडे लगाने के अंडे में डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रीम्स था उसमें हम इसे डिप करेंगे। ब्रेड क्रीम्स की वीडियो भी मैंने मेरे अपने चैनल पर मौजूद है, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी। तो इस पे सारा मसाला लग गया है और थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद फिर हम इसे तलेंगे। रेस्ट पूरा हो चुका है, अब इसे तलने लगी हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने थोड़ी सी मीडियम सी भी लो फ्लेम ली है। पर हमारे नेगेट्स तैयार हैं और आप इनका कलर और करंचीदार देख सकते हैं। तो ये देखें कितने मज़े के बने हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आप लोग कैसी लगी है। तो मैं चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।